मैं हूँ अभी शिमला में। यहाँ का मौसम देख रहे हो कितना ज़्यादा ठंडा धुआंधार है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ अभी शिमला में। यहाँ का मौसम देख रहे हो कितना ज़्यादा ठंडा धुआंधार है, बहुत कड़ाके की ठंड है। कल ही आई थी यहाँ पे, आते टाइम व्लॉग नहीं बनाया। और अभी देखिए हर तरफ धुआं ही धुआं देख रहे हो। अरे जोकिंग रे बाबा, कहीं नहीं, अपने घर में ही हूँ। मैं तो न्यूज़ में बैठ के पढ़ रही थी कि आज 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा ठंड रहने वाली, ऐसे रहने वाली, वैसे रहने वाली, और बाहर आके देखा, हाय हाय गर्मी नहीं, हाय ठंडी। इस साल की मेरी तो ये पहली धुंध, बोलते हैं हमारे तो यहाँ धुंध या धूर, आपके क्या क्या बोलते हैं वो बताना, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। तो एस्थेटिक व्यू लेने आई हूँ मैं छत पे, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। ये हमारे थोड़े से सूर्य देवता, थोड़े से ही हैं आज तो, बाकी देखो कुछ नहीं दिख रहा। सोच रही हूँ थंबनेल की फ़ोटो ले लेती हूँ, नीचे से टोपा ले आती हूँ लगा के और थंबनेल की फ़ोटो ले लेती हूँ। पिछले साल में मैंने कुछ अच्छे थंबनेल नहीं बनाया, जो यूट्यूब देता था वही डाल दिया। इस बार सोच रही हूँ थोड़ा अच्छा काम करूँगी, थोड़ा अच्छा। चारे मेरे कपड़े रात को यहीं छोड़ गई थी, ठंड से क्या हाल है, बेहोश तो नहीं हो गए। तो जी आ गए हैं अपने थंबनेल के मेन इन्ग्रीडियंट, टोपा और ट्राइपॉड। नई साल में नई चीज़ शुरू कर दी क्या? अच्छी नहीं लग रही, बाल खोलना पड़ेगा, बाल खोलना पड़ेगा, बाल खोलने पड़ेंगे, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं हुस्न परी जाने जहाँ, तू सबसे हंसी तू सबसे जवां, सौंदर्य सा वो निर्मा। नाउ लुकिंग बेटर, कंघा भी लाना चाहिए था, कोई ना काम चला लेंगे। हाँ अब सही लग रहा है, अब ले लेती हूँ थंबनेल ऐसे करके, टाइटल में डाल दूँगी, शिमला आ गए हम, शिमला पहुँच गए हम, शिमला के नज़ारे, ऐसा कुछ। ए चिकू मेको, क्या कर रहे ले हो बिड़ू, ठंडी नहीं लग रही है क्या तुम दोनों को? अभी इसको बोलते ना, इसको थोड़ा सा चिकू बोलूँगी ना, ये ऊपर देखना शुरू कर देगी, देखना बाप। चिकू चिकू चिकू, ए चिकू क्या कर रहा है मेरा छोटा सा बंदर? ओ इधर आ रही है अब। हाँ क्या देख रही है टुकु टुकु, अरे क्या देख रही है बंदर छोटा सो? ये आ गई मिकू भी पीछे पीछे। हाँ मिकू, तेरे को जेलेसी हो रही है कि चिकू चिकू को बुला रही है? बाद में चलेंगे उधर उनको रोटी देने, चलो एंजॉय एंजॉय, अपना चारा एंजॉय करो, चलो चलो चलो, बाय बाय बाय। ये भी देख रहे होंगे कि आज टोपा पहन के कहाँ जा रही है। उसको क्या ही पता कि हमने यहाँ पे भी शिमला बना दिया है। ब्रेकफास्ट में बने हैं ओट्स, इधर भी धुआं धुआं। Thank you.
Meanwhile, फिर से जियो पैकेट्स। नेस्कैफे क्लासिक ब्लैक रोस्ट रिच एंड स्ट्रॉन्ग आवर मोस्ट इंटेंस कॉफी। बहुत ज्यादा अंग्रेजी, अंग्रेजी ही अंग्रेजी, हिंदी का तो एक शब्द भी नहीं है। ओके, नई कॉफी आई है हमारे घर में। आज तक तो ये वाली कॉफी यूज करी थी जो क्लासिक आती है अपनी, आज आई है ब्लैक कॉफी। देखते हैं ये वाली कैसी रहती है, ट्राई करके जरूर बताएंगे। दूध, यहाँ लग रखा है धनिया। अभी चाहिए सब्जी के लिए धनिया, तो कट कर लेते हैं थोड़ा सा। घर के धनिया की तो खुशबू ही बहुत अच्छी आती है, बाजार वाले से तो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आप स्प्राउट्स लेना पसंद करेंगे या ओट्स या कॉफी या कुछ नहीं, सिर्फ हवा खाएंगे? हंस क्या रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग हुआ। अच्छा, स्प्राउट्स और कॉफी दोनों। स्प्राउट्स एंड कॉफी, आज नई कॉफी आई है घर में, ब्लैक ब्लैक कॉफी। ये वाली थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, रोस्टेड। हमका तो लाइट वा पसंद है, स्ट्रॉन्ग वाला ही हमका स्ट्रॉन्ग वा पसंद। आपके बनाते हैं, उसमें से एक सिप ले लेंगे, कैसी है? कूल खुल जा, सिम सिम, ऊपर ऊपर तक भरी हुई है। नेस्कैफे later. ये लीजिए, फर्स्ट सिप आप पीजिए और हमें बताइए, हमें रिव्यू दीजिए। थैंक्स। तो दोस्तों अभी कॉफी हाथ में है और फूकम पे फूक दी जा रही है, अभी पी गई है। गुड 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 गुड। लाइए अब हम टेस्ट करेंगे। नाइस अरोमा, शेफ रणवीर बरार की तरह। हम पहले सुनेंगे, अच्छी है, हम पास हुए। इसमें अगर थोड़ी डाली जाए ना तो लाइट बन जाएगी, और ज्यादा डाल देंगे तो कड़वी बन जाएगी, डार्क वाली। वो वैसे ही है, रेगुलर है जो, बस थोड़ी सी अगर क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो कड़वी कड़वी हो जाएगी। रोस्टेड आ रहा है अरोमा, तो इनको ज़्यादा पता है क्योंकि ये कॉफ़ी लवर है। यस। सो गाइज, मैं नहा धो के एकदम क्यूटी पाई बन गई हूँ। अभी बहुत अच्छी वाली धूप आ रही है, तो मैंने बाल भी धुल लिए हैं ताकि ये भी सूख जाएंगे, और तब तक मैं नेल पेंट भी अपनी रिमूव कर लूँगी। कितनी ही अच्छी कंपनी की क्यों ना नेल पेंट ले लो, एक या दो दिन से ज़्यादा तो मेरे टिकती नहीं है। आपके पास हो कोई ट्रिक जिससे ज़्यादा लंबी टिक सके तो कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी धूप आ रही है, तब तक बाल भी अच्छे खासे सूख जाएंगे मेरे। ये ट्रिक अच्छा है, 5-7 मिनट के लिए ना धूप में आ जाओ, अच्छे से घूम लो, जितने में बाल भी सूख जाएंगे। ड्रायर से बाल सुखाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं रहते, ऐसे फ्रिजी फ्रिजी से हो जाते हैं। हाँ, अगर कभी कोई ऑप्शन नहीं हो तब के लिए ठीक है, बट डेली डेली के लिए धूप में ही सुखाना ही बेस्ट है। चल जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, ए ऐ ओ ओ ए आ, मैं दीवानी दिल की रानी।
एक पंथ दो काज, नेल पेंट भी उतर गई, बाल भी सूख गए। एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट दिखाती हूँ आपको। देखो ये दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं, अभी दूध पिला रही थी ये खड़े होके। इतने क्यूट पप्पी है छोटे छोटे, और दूध पी रहे हैं अभी। कितनी क्यूट है। कैमरा उस तरफ करते ही ना दूध पिलाना बंद कर दिया, वरना अभी दूध पिला रही थी। इतने क्यूट लग रहे थे छोटे छोटे। कल रोटी दी थी मैंने इसको, आज और दे देते हैं बेचारी। इतने बच्चे हैं, दूध भी पिलाती है तो खाना तो चाहिए ना, तो अभी रोटी देते हैं। अरे यार ये इतनी गायों का झुंड कहाँ से आ गया। रोटी तो है कम और इतने के तो नहीं पाती आएगी। ओ ले 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 इतने कैंडिडेट, अब मैं कैसे दूँ? कुत्ते को देनी है। ले जा भाग जा, बहुत लड़ाई करेंगे ये। तुम चारा खाओ। अरे भाग जा लेके। न्यू ईयरफोन, तो ये न्यू ईयरफोन ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि ये वाले हैं इनके बड्स आगे जो होते हैं ना रबड़ के, वो ख़राब हो गए, ख़राब कर दिए गए हैं। मेरे क्यूट क्यूट भांजे हैं, साथ में बदमाश भी है, खा गया एक, ये खा गया एक, ये खा गया। कोई स्पेयर ईयर मतलब ख़राब हुआ हुआ होएगा ना तो उसके कोई लगा लूँगी, पर अभी तो है नहीं। मैं तो न्यूज़ में रजाई में घुस के पढ़ रही थी। अरे कौन है रे यार, क्या बजा रहा है, शांति रख। हटो बोलो ना। तो ये थे मेरे ईयरफोन, लेकिन तो ये मैंने नए ईयरफोन ऑर्डर करे हैं, मैंने करे आपने करे थे। ईयरफोन थे काफ़ी सही थे, लेकिन इनके ये आगे क्या होते हैं रबड़ वाले। मुझे वापस होना पड़ेगा।